हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कारनॉट साइकिल एंड कारनॉट हीट इंजन। ओके, लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज, है ना। हम लोग ये रिवाइज करेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज म्यू आर टी लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गैमा माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले आपने नोट डाउन करके रखना है, ये बहुत काम में आने वाले। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू बेसिक्स ऑफ कारनॉट इंजन, कारनॉट साइकिल एंड कारनॉट इंजन। ओके, कारनॉट का ये बोलना था कि उसके दिए हुए चार प्रोसेसेस से अगर आपने एक इंजन डेवलप किया, एक इंजन बनाया, उसने जो चार प्रोसेसेस बताई, तो वो इंजन दुनिया के सारे प्रैक्टिकल इंजन्स के लिमिटेशन से दूर रहेगा, एकदम फ्री रहेगा, एंड दैट वुड बी द आइडियल इंजन विच वुड गिव यू मैक्सिमम एफिशिएंसी। बस उसके दिए हुए चार प्रोसेसेस से इंजन तैयार करना है। ओके, अब उसके दिए हुए चार प्रोसेसेस क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ के लेंगे कि कारनॉट इंजन में चीजें क्या क्या होती है। ओके, विल स्टार्ट विद दिस, ये यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग इस पार्ट पे। सबसे पहले कंटेनर होता है जिसमें एक पिस्टन लगा होता है, विच इज फ्रिक्शनलेस, जिसका मूवमेंट फ्रिक्शनलेस रहेगा। इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो बेस है ये कंडक्टिंग रहेगा, और वॉल्स जो है ये इंसुलेटिंग रहेंगे। वॉल्स को कैसा रखना है, इंसुलेटिंग, और बेस को कैसा रखना है, कंडक्टिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, स्टैंड है, सिंपली स्टैंड है जो इंसुलेटेड है, पूरी उसकी वॉल्स कैसी है, इंसुलेटेड। थर्ड थिंग, सोर्स, सोर्स इज बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर, इसके वॉल्स इंसुलेटिंग है लेकिन टॉप सरफेस कंडक्टिंग है, डॉटेड लाइन से बनाया मैंने, डॉटेड लाइन विल इंडिकेट कंडक्टिंग सरफेस। फोर्थ इज सिंक, सिंक इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जिसके भी वॉल्स कैसे हैं, इंसुलेटिंग है लेकिन टॉप सरफेस कैसा है, कंडक्टिंग है। ठीक है, ये समझ में आया सबको। अब बात करेंगे इसके अंदर होने वाले चार प्रोसेसेस की। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन, दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपांशन, तीसरा है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और चौथा है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ठीक है, विल स्टार्ट विद दिस, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंसुलेटिंग स्टैंड हटा के उसकी जगह सोर्स रख देंगे। ओके, सोर्स रखने की वजह से ये दोनों, इसका जो बॉटम सरफेस और इसका टॉप सरफेस दोनों कंडक्टिंग है, तो सोर्स से हीट कहां जाएंगी, सोर्स से हीट जाएगी कंटेनर में, और वो हीट एब्जॉर्ब करेगा Q1 और वो एक्सपांड होगा, और इस एक्सपांशन में क्या होगा, वर्क होगा। लेट अस से ये सारा चीज जो हो रहा है वो टेम्परेचर T1 पे हो रहा है। ओके, तो यहां पे गैस A पॉइंट से B पॉइंट पे गया। ओके, A पे उसका प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था, लेट अस से वॉल्यूम था कितना, V1। ओके, और वो कहां पे गया, B पे, जहां पे प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर था T1 और उसने हीट एब्जॉर्ब किया Q1। ठीक है, A टू B प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में वर्क डन इज गिवन बाय म्यू आर T1 लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है यहां पे, V2, इनिशियल वॉल्यूम V1, तो V2 अपॉन V1। सो ये सभी को समझ में आए, वर्क डन ड्यूरिंग A टू B प्रोसेस। ओके, नाउ सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन। हम लोग क्या करेंगे, सोर्स को हटा के उसके जगह इंसुलेटिंग स्टैंड रखेंगे, ये वाला सिचुएशन। ओके, इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड जब रख देंगे तो बेस से कोई हीट अब अंदर बाहर कर सकेंगे क्या, नहीं। तो अब जो एक्सपांशन होगा गैस का वो कैसा होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, एडियाबैटिक एक्सपांशन में वो बी टू सी जाएगा। ओके, अब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो जाएगा टी टू, C पे वॉल्यूम हो गया V3 और प्रेशर हो गया P3। ठीक है, अब ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपांशन वर्क डन इज म्यू आर, चेंज इन टेम्परेचर इज T1 माइनस T2 अपॉन गैमा माइनस 1। ठीक है, सो ये नोट डाउन करके रख लिया। नाउ थर्ड प्रोसेस इज, अब हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड हटा देंगे और उसके जगह सिंक रख देंगे। सिंक में क्या होगा, अब वर्किंग सब्सटेंस हीट रिजेक्ट करेगा तो वो कंप्रेस होगा, सिंस कंप्रेशन हो रहा है दिस, और वो भी वॉल्स के थ्रू कंप्रेशन हो रहा है, तो इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो सी टू डी प्रोसेस, ये डी आ गया, सी टू डी प्रोसेस, दैट इज
आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। डी पे वॉल्यूम हो गया वी फोर और प्रेशर हो गया पी फोर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, हीट रिजेक्ट हो रहा है सिंक को, तो यहां से हीट बाहर आ रहा है क्यू टू, ठीक है। लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहां पे वर्क कितना रहेगा, आइसोथर्मल वाला वर्क लगाएंगे हम लोग, म्यू आर, टेम्परेचर कितना है टी टू, लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम विच वॉज वी फोर अपॉन इनिशियल वॉल्यूम विच वॉज वी थ्री, तो वी फोर अपॉन वी थ्री। सो ये हो गया वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। फिर चौथा प्रोसेस जो है वो होगा एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंक हटा देंगे और वापस इंसुलेटिंग स्टैंड रखेंगे। इंसुलेटिंग स्टैंड क्या करेगा, हीट को बाहर आने नहीं देगा, तो जो कॉम्प्रेशन होगा वो अंदर के अंदर होगा विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, सो दैट इज नोन एज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो डी टू ए साइकिल कंप्लीट हो गया और डी टू ए रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। अब इसमें वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक वाला लगाएंगे हम लोग, म्यू आर, चेंज इन टेम्परेचर इज टी टू माइनस टी वन अपॉन गैमा माइनस वन, ठीक है। तो इस बार हम लोगों ने चार वर्क किए, इस पूरे साइकिल में चार बार वर्क हुआ एंड दैट वॉज इक्वल टू डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू फोर। तो टोटल वर्क अगर हम लोगों को पूछा गया कि कितना हुआ, तो टोटल वर्क इज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस डब्ल्यू फोर। अब हम लोगों को देखते से ही समझ में आ रहा है ये वाला वर्क और ये वाला वर्क क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल, क्योंकि ये टर्म्स देखो कैसे हैं, म्यू आर टी वन माइनस टी टू, म्यू आर टी टू माइनस टी वन, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल करके जीरो हो जाएंगे, लेकिन ये कैंसल नहीं होने वाले, ओके। तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू म्यू आर टी वन लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन प्लस म्यू आर टी टू लॉग ऑफ वी फोर बाय वी थ्री। अगर हम लोगों ने इसको चेंज करके लिखा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, W इज इक्वल टू म्यू आर टी वन लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन माइनस म्यू आर टी टू लॉग ऑफ वी थ्री बाय वी फोर, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब मैं यहां का पार्ट हटाता हूं, अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी का, है ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है इटा दैट इज हीट, सॉरी वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, हीट इंजन वाले लेक्चर में देखा था कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज वर्क डन अपॉन हीट एब्सॉर्ब्ड। तो एफिशिएंसी इज वर्क डन इज म्यू आर टी वन log of v2 by v1 minus mu r t2 log of v3 by v4 upon, यहां पे लिखता हूं इस तरीके से, q1, q1 कितना है w1, मतलब mu r t1 log of v2 by v1। अब ऊपर दो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो क्या पता चला हमको, 1 minus mu r T2 log of V3 by V4 upon mu R T1 log of V2 by V1। mu R cancel हो गया, T1 T2 cancel नहीं हो रहा है, तो efficiency बच गया 1 minus T2 log of V3 by V4 upon T1 log of V2 by V1, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दो प्रोसेसेस की जो एडियाबैटिक थी, ओके। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों को पता है टी वी रेस टू गैमा माइनस वन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, है ना। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का लेक्चर है, सजेस्टेड में उसका लिंक आया हुआ है, आप वो देखिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आया कैसे, ओके। अब पहला प्रोसेस जो था एडियाबैटिक का था वो था बी टू सी, ओके। अब B टू C में B पे टेम्परेचर कितना है T1 और वॉल्यूम कितना है V2, C पे टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V3। तो अगर हम लोगों ने इसका इक्वेशन बनाया T1 V रेस टू गैमा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V3 रेस टू गैमा माइनस वन, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है।
अब दूसरा प्रोसेस एडियाबेटिक का जो हुआ वो था D2A। डी पे टेम्परेचर कितना था? डी पे टेम्परेचर कितना था? T2। वॉल्यूम कितना था? V4। ए पे टेम्परेचर कितना था? T1। और वॉल्यूम कितना था? V1। अगर हम लोगों ने लगाया इक्वेशन ये वाला तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे। T1 को इधर लिख लेंगे हम लोग, ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से लिख लेते हैं, T1 V1 रेस्टो गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 रेस्टो गैमा माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलता है हमको कि T1 V2 रेस्टो गैमा माइनस 1 अपॉन T1 V1 रेस्टो गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 रेस्टो गैमा माइनस 1 अपॉन T2 V4 रेस्टो गैमा माइनस 1। T1 कैंसल, T2 कैंसल, गैमा माइनस 1 सबका पावर सेम है तो वो भी कैंसिल हो गया। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बना, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4, ठीक है। अब यहां से हमको एक और चीज समझ में आया कि अगर ये सेम है तो दोनों के लॉग भी सेम होना चाहिए, मतलब लॉग ऑफ V2 बाय V1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ V3 बाय V4। मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो गया, मतलब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। देयरफोर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एटा बिकम्स 1 माइनस T2 बाय T1। दिस यू शुड रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ओके। क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया? ऑल्सो हम लोगों को मालूम है एफिशिएंसी कितना होता है, 1 माइनस Q2 बाय Q1, कोई भी इंजन का एफिशिएंसी होता है। इन दोनों को कंपेयर किया तो वी गेट दैट Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। ये फॉर्मूला तुम्हारे काम में आएगा, ये भी नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि एक बार Q2 T1 दिया हुआ है, Q1 दिया है तो Q2 निकाल लिया, तो फिर फॉर्मूला एक ये वाला यूज हो जाता है, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कार्नोट इंजन। आप ये वीडियो को एक बार वापस देखिए, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल के रखिए, कुछ डाउट बनता है तो नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। दैट्स इट।